एक गांव में बहुत सुंदर सज्जन रहते थे, गृहस्थी का काम करते थे। उनके 5 पुत्र थे। आजकल तो पुत्रों का आकांत पड़ा है, कितने बच्चे हैं? एक है, एक और कर लो बड़ी मुश्किल है। हाँ, वास्तविकता ये है, मैंने नोटिस किया है और मैंने जाना है और मैंने देखा है, 5 बच्चे किस पे हैं? हाथ उठाओ, 5 हैं आपके? कितने साल की हो गई? आप कितने साल की हो? 53 साल। अभी देखिए 40 साल की लग रही है। ये सत्य है, जिसके जितने बच्चे होंगे उनका शरीर जल्दी वृद्ध नहीं होता, समझ रहे हैं ना? जो बहुत फलदार वृक्ष होता है वो जल्दी नष्ट नहीं होता, ये परमात्मा की कृपा है, समझ रहे हैं? जो बोलते हैं ना, एक ही बच्चे में जवानी में ही देखिए चेहरा पीला पड़ा हुआ है, सारी बीमारियां ही उनको लग गई, समझ रहे हैं ना? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। जननी होने से उनके सारे विकार नष्ट होते जाते हैं, समझ रहे हैं? तो भगत जी के 5 संतान थे, 4 की उन्होंने विवाह कर दी, 5वें का नंबर आया तो उनका 4वां पद लग गया। तो बड़े पुत्र को बोले कि बेटा, मेरा 4वां पद आ गया, अब मैं इन सभी विकारों से और विवाद से अलग होना चाहता हूँ, तुम अपने छोटे भाई का विवाह कर देना और मैं गांव के बाहर जहाँ अपना जमीन है वहाँ कुटिया बना के बजा देना। और वो अपने सारा भार अपने बड़े पुत्र को दे करके निकल गया। बड़े पुत्र ने छोटे भाई का विवाह किया। विवाह के बाद सभी पूरे परिवार अपने पिता से मिलने गए, तो पिता को बड़ा प्रसन्नता हुआ। पिता ने कहा, अब तुम सभी लोग अपने जिम्मेदारी से अपने ही से बांट लेना, समझ गए ना? अपने सारे हिस्सों को बराबर में बांट लेना। ये होता है जिम्मेदारी से मुक्त होना, समझ रहे हैं? हम लोग तो अपने बच्चों को बांटने नहीं देते, कभी बटने ही नहीं देते उनका हिस्सा, सबसे बड़ी समस्या ये है, समझ रहे हैं ना? उनको पकड़ के रखो, उतने से भी काम नहीं चलता, उनके गर्दन कस देते हैं, ये मत कर वो मत कर तू गलत। अरे भैया, वो बूढ़ा हो रहा है, उसके बच्चे हो रहे हैं, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? तुम शांति से हो जाओ ना, भजन करो ना। तो इस प्रकार की आसक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बच्चा ये आसक्ति और ये आसक्ति क्यों है? क्योंकि असंतोष है। हमने पूछा, सरकार ये असंतोष क्यों आता है? तो बाबा ने कहा, बच्चा असंतोष और आसक्ति ये दोनों तुम्हारा जैसे 2 हाथ है ऐसे ही है, समझ रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ रहे हैं?
दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कभी ये थक गया तो ये काम करने लगता है, कभी ये थक गया तो ये काम करने लगता है। इसी प्रकार हम लोग आसक्ति और असंतोष में बंधे हुए अपने जीवन को श्री राम तो ग्लानि जो है मनुष्य के लिए, अब ग्लानि कितनी बड़ी चीज है, भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन संसार के बंधनों से बंधा हुआ पीड़ित व्यक्ति दुखी व्यक्ति मेरा चिंतन करते हुए अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर ले तो मैं उसे अभय दान दे करके अपना लेता हूँ। ग्लानि का नाम प्रायश्चित, समझ रहे हैं, लेकिन वो करता ही नहीं है। मैंने भगत जी से पूछा, भगत जी छोड़िए भजन करिए, अब सरकार भजन ही हो रहा है, मतलब कैसा भजन हो रहा है, पीड़ित भजन। कितना दुखी करोगे अपने आप को, अब कितना गंदा करोगे अपने आप को, और कब तक करोगे ये, इसीलिए भजन सिर्फ भजन करो। बंधनों से मुक्त होने का रास्ता नहीं है, किसी भी प्रकार के आसक्ति से मुक्त होने का रास्ता नहीं है आपके पास। आसक्ति एक छूटेगी दूसरी लगेगी, दूसरी छूटेगी तीसरी लगेगी, उससे मुक्त नहीं हो सकते आप, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, यहां से आश्रम में चले जाइए तो। इसलिए उसका त्याग मत करो, थोड़ी समझ बढ़ा लो, समझ गए, थोड़ी जानने की चेष्टा कर लो, उतने से ही तुम्हारा काम बन जाना है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मोह भी नहीं छूट सकता, आश्रम में जाके घर की याद आती है, समझ रहे हैं, यहां जब बैठते हैं तो आश्रम की याद आती है। आई समझ में, तो ये मोह भी नहीं छूटने वाला। जरूरत क्या है, थोड़े चिंतन करने की बस, इसी मोह को मोड़ देना है, जो सीधे चलते चलते थक गया, इसको विश्राम देना।